गुना शिक्षा विभाग जहां एक ओर स्कूलों की व्यवस्था और स्कूलों की दुर्दशा बिगड़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर एक के बाद एक भ्रष्टाचार उजागर होते जा रहे हैं। ऐसा एक मामला हाल ही में शिक्षा विभाग का सामने आया, जब वरिष्ठ शिक्षा कार्यालय से 27 कंप्यूटर ऑपरेटर रखे जाने की स्वीकृति आई है, लेकिन यहां पदस्थ अफसरों ने अपने स्वार्थ के खातिर 27 की जगह 55 कंप्यूटर ऑपरेटर रखे गए। ऑपरेटर व का पदों पर रखे गए युवक युवतियों से प्रति कैंडिडेट 80 से 1 लाख रुपए की अवैध तरीके से पैसा रिश्वत के रूप में लिया गया। 5 माह बाद वेतन की मांग पर जब राज्य शासन ने केवल स्वीकृत 27 पदों के हिसाब से वेतन भेजा गया, बबाल होने पर शिक्षा विभाग ने यहाँ सभी नियुक्तियां निरस्त कर दी और जांच भी जूनियर अधिकारियों को दी, जबकि इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी समेत 3 कर्मचारियों पर भर्ती किए जाने के आरोप हैं। क्या है पूरा मामला? कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर्स द्वारा मेरे कार्यालय में आकर के मुझे बताया गया कि सर हमारी नियुक्ति हुई है और हमें मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है, तो मैंने उनसे उनके नियुक्ति पत्र मांगे, तो नियुक्ति पत्र उन्होंने फोटोकॉपी के उपलब्ध कराए। पर मैंने ओरिजिनल उनसे जब नियुक्ति पत्र मांगे तो ओरिजिनल उन्होंने उपलब्ध नहीं कराए, तो मुझे संदेह हुआ और मैंने उनकी इस मतलब कथन को मैंने शिकायत के तौर पर लिया और तत्काल मैंने 3 प्राचार्यों की एक समिति बना करके और इसके जांच के निर्देश दिए हैं। समिति इसकी जांच कर रही है, बिल्कुल निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता अगर इसमें आती है तो उसे सार्वजनिक किया जाएगा।